गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 2 का फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट किया था, ठीक है। तो आज हम कंप्लीट करेंगे राइट, ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है आपको उसके आगे ट्रू और फॉल्स का टिक लगाना है, ओके। नाउ लेट्स सी अवर फर्स्ट सेंटेंस इज यू एल आई वी ई लीव डब्ल्यू आई टी एच विथ वाई ओ यू आर यूअर एफ आर आई ई एन डी एस फ्रेंड्स ए एन डी एंड T E A C H E R S teachers in Y O U R your F A M I L Y family, ठीक है। You live with your friends and teachers in your family, इसका मीनिंग हुआ आप आपके घर में आपके फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ रहते हैं फैमिली में। नो, हम किसके साथ रहते हैं? अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, अपने ब्रदर सिस्टर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ठीक है। यहाँ तो लिखे यहाँ पे फॉल्स एफ एल एस ई फॉल्स मतलब होता है गलत, ठीक है। नाउ कम ऑन सेकेंड सेंटेंस यू एन सी एल ई अंकल A N D and A U N T aunt A R E R K N O W N non S Y O U R your P A R E N T S अंकल एंड आंट आर नॉन ए यूअर पेरेंट्स, मतलब जो आपके अंकल और आंट हैं उन्हें हम पेरेंट्स के नाम से जानते हैं। नो, उन्हें हम कैसे जानते हैं? हमारे अंकल आंट के नाम से जानते हैं, चाहे चाची के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम किसके साथ अपने पेरेंट्स किसे जानते हैं? हम लोग हमारे फादर मदर को जानते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? फॉल्स एफ ए एल एस ई फॉल्स। आ गया समझ में? नाउ कम ऑन थर्ड सेंटेंस एस एम ए डबल एल स्मॉल F A M I L Y family I S is A L S O also K N O W N non S A N U C L E A R nuclear F A M I L Y family। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? A small family is also known as nuclear family। जो small family होती है उसे हम nuclear family के नाम से जानते हैं। Is it true or false? That true, सही बात है ये। T R U E
Now front of the sentence write true, true मतलब जो small family होती है उसे हम nuclear family के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमारा fourth point है YOULIVE live WITH with YOUR GRAND grand PARENTS parents in a JOINT joint FAMILY family। इसका मतलब हुआ यू लिव विथ यूअर ग्रैंड पेरेंट्स इन अ जॉइंट फैमिली। क्या आप आपकी जॉइंट फैमिली में आपकी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स मतलब होता है दादा दादी। तो ये सही बात है, इज इट ट्रू। यहाँ पे लिखिए टी आर यू ई ट्रू मतलब ये सही है। ठीक है, नाउ कम ऑन फिफ्थ एंड लास्ट अ बी आई जी बिग एफ ए एम आई एल वाई फैमिली एच ए एस एस ओ एन एल वाई ओनली O N E 1 C H I L D child a big family has only one child। जो big family होती है उसमें केवल एक child रहता है। Is that false? उसमें more two और more children रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए false F A L S E false। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।